नमस्कार आप सभी के लिए। तो आज हम आपके लिए दिखाने वाले हैं चूना जो रहता है, जो आप लोग पान में खाते हैं, चूना के जो ट्यूब आते हैं, छोटे छोटे डिब्बी आती हैं, तो वो किस तरह से बनती हैं, किस तरह से उनका यानी पूरा प्रोसेस जो है घर से लेकर यानी बनाने का कैसे आप तक पहुँचती हैं, तो आज हम वो दिखाने वाले हैं। और आज हम अपने मित्र के पास आए हैं, जितेंद्र प्रजापति और मान सिंह पटेल, जो ये काम करते हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे समझते हैं कि कैसे काम किया जाता है। नमस्कार जितेंद्र भैया, हमारे बीच में आए हैं। तो जितेंद्र, सबसे पहले बताओ, शुरुआत कहाँ से होता है? सबसे पहले शुरुआत हम लोग चूना के छानने से करते हैं, मतलब घोल बनाने से, तैयारी से करते हैं। घोल इस तरीके से बनाया जाता है। तो पहले यानी घोल बनाना? हाँ, पहले घोल तैयार किया जाता है। भैया देख लो आप, पहले घोल कैसे बनाया जाता है? घोल इस तरीके से, सबसे पहले हम लोग चूने को, ये बोरियां होती हैं चूने की जिसको हम लोग बनाते हैं, इसमें कलई भरी होती है, इसमें और कोई मिलावट नहीं होती, खाली प्योर चूना होता है। इसके इस प्रकार से माल तैयार बोरियां आती हैं। इसको फिर हम लोग यूं ड्राम में, ये ड्राम होता है जिसमें चूने को गलाया जाता है, इसमें हम लोग पानी भर के हल्का हल्का डालते हैं जिससे कि वो गलता जाए आराम से। इस तरीके से चूना का गलाने का काम होता है। ये चूना की बोरियां होती है। अब चलते हैं हम चूना की जो है पिट्टू की तरफ, जिससे ये हम लोग जिसमें भरा जाता है ये चूना। तो यूँ इस प्रकार से चूना की धारें आती हैं जिससे कि ये ट्यूब होते हैं, क्यों ट्यूबों को इसलिए ट्यूब इस प्रकार से आते हैं, उनको फिर हम लोग चूने की मशीन से भरते हैं। वो इसी प्रकार से इसके ढक्कन होते हैं, ये ट्यूब में इस प्रकार से ढक्कन को लगाया जाता है। इस तरीके से ट्यूब भर के तैयार होते हैं। एक छन्ना होता है जिससे हम लोग कुटाई करते हैं चूने की। अच्छा, इसको यूँ इस पर रख के, यूँ दस्ताने पहन के चूना का, जिससे कि अपना हाथ खराब ना हो, ना कि हाथ कटे फटे ना, इसलिए चूना से यूँ चूना को गलाया जाता है। पहले गलाने के बाद यूँ डाल के इसको इस तरीके से कुटाई की जाती है। इसके एक घोटने से इसका घोल जो है नीचे चला जाता है साफ साफ, वो बाकी कंकड़ पत्थर वगैरह अलग हो जाते हैं, बिल्कुल फुल जम जाए। हाँ, फुल जम, बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, यूँ उठा के अपना जो है ये पाक इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाता है। सही सही, तो ये सबसे पहला काम इसका गुलाई का होता है। इस पश्चात गुलने के बाद हम लोग इसको चूना मशीन में डालते हैं। मशीन में डालने के बाद हम लोग यानी चूना इसमें डालें, इसमें चूना डाल के, यानी इसमें हमने चूना भर लिया है, अब हमको ट्यूब भरना है। तो यूँ हमने खाली ट्यूब इसमें लगाया और डंडे को नीचे किया, तब एक ही बार में एक ही चूना का ट्यूब फुल भर जाता है। इस तरीके से चूना की भराई होती है। ये यूँ तैयार होने के बाद ऐसे भरे जाएंगे ये सारे ट्यूब, इस तरीके से मशीन से भरते हैं। भरने के बाद यूँ पन्नियों में पैक होते हैं। पैक होने के बाद जो है हम लोग इसको तैयार करके जमा कर देते हैं। तो ये चूना भरने के बाद खाली टाइम में, फ्री टाइम में ये कारोबार करते हैं। वही हमारी भाभियाँ लगी होती हैं, ये चूना का पैकिंग काम करती हैं। ये दोनों ही हमारी भाभियाँ हैं। फ्री टाइम में अपना घर का कारोबार निपटाने के बाद ही फ्री टाइम में अपना जो है पन्नी का ये पैकिंग का काम करती रहती है। इस प्रकार से हमारा ये कारोबार बहुत मजेदारी से, बहुत ही अच्छे प्रेम भाव से चलता रहता है। काम बोलते तो आज हम भी भर के देख रहे हैं कैसे भरी जा रही है। तो उतना अच्छा तो नहीं भर पा रहे हम उन लोगों ने जैसा, लेकिन हाँ हम प्रयास पूरा हो रहा हूँ, प्रयास हम पूरा कर रहे हैं। हम लोगों की प्रयास करके देख रहे हैं, लेकिन हम लोग सही प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। और जितेंद्र भाई देखो कैसे फटाफट एक्सपर्ट है ना, ये एक्सपर्ट है, तो वो कलाकार है इस मामले में।